गोवा की सच्चाई देखकर चौंक जाओगे। तो चलिए आज मैं एक ऐसी जगह में आप लोगों को ले चलूँगा कि आप लोग आज तक नहीं गए हो। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ मार्केट ही है और एक पतला रास्ता है, इस पतले रास्ते से मैं चल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा जानना चाहते हो विजिटिंग प्लेसेज इन गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज इन गोवा, रशियन प्लेसेज इन गोवा एंड फॉरेनर प्लेसेज इन गोवा, एंड ये भी सर्च करते हो कि गोवा में रशियन लड़की कहाँ मिलेगी एंड बहुत कुछ सर्च करते हो। लेकिन मैं आपको अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ और यहाँ पे आप आके इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या किया हूँ, अभी मैं आपको सच्चाई दिखाने के लिए जस्ट अरम्बुल बीच से बाहर निकला हूँ और ये गोवा का अरम्बुल एरिया है। तो अगर आप अरम्बुल का वीडियो देखना चाहते हैं और ज़्यादा, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ये सच्चाई ही दिखाऊँगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। और अगर आप गोवा के अन्य प्लेसेज को देखना चाहते हैं, गोवा के फेमस प्लेसेज को, गोवा के टूरिस्ट प्लेसेज को, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। अब मैं जिस सच्चाई को बताने के लिए आप लोगों को लेकर आया हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप गोवा आओगे तो गोवा में एक टूरिस्ट स्कैम बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी क्या है, ये आप देख सकते हैं जो सामने लड़कियां खड़ी हैं, रुको दिखाता हूँ, ये दो लड़कियां, एक वो लड़की, इन लड़कियों से बात किया मैं तो पता चला कि इन्होंने जो booking.com से होटल बुक किया था वो है ही नहीं वहाँ पे। मतलब booking.com में तो है लेकिन जिस प्लेस में होना चाहिए वहाँ पर है ही नहीं। तो गोवा में आए दिन ऐसे स्कैम होते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को इन स्कैम से बचना है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जरूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।